Students, it is a very interesting problem of circle practice set 2. It is a question number 4. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिगर बनी हुई है क्वेश्चन के अंदर. इन द गिवन फिगर ऑफ ए क्वार्टर सर्किल विथ सेंटर बी, फाइंड बी सी. तो ये फिगर बनी हुई है, इट इज ए क्वार्टर सर्किल. क्वार्टर सर्किल में सेंटर बी है, तो यानी ए बी एक रेडियस है और बी से लेकर यहाँ ये पॉइंट तक ये भी रेडियस होगा. इस क्वार्टर सर्किल के अंदर एक कॉर्ड बनी हुई है 24 यूनिट्स की. ठीक है, इसमें यूनिट लिखा हुआ नहीं है, सेंटीमीटर या मीटर, तो हम सिंपल यूनिट कहते हैं. AD इज ए कॉर्ड ऑफ 24 यूनिट और D से ये वाला जो रेडियस है इस पर एक लाइन सेगमेंट आया है और यहाँ C पर टच कर रहा है एंड इट इज 7 यूनिट. और आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये BC जो लेंथ है, यानी इस रेडियस का ये जो पार्ट है, ये आपसे पूछा है. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करके इस क्वार्टर सर्किल को क्या बना लेते हैं, इस क्वार्टर सर्किल को हम सेमी सर्किल बना लेते हैं. ठीक है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट में कर देता हूं. तो कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वो मैं डैश लाइन से कर देता हूं ताकि आपके समझ में आए कि ये चीजें कंस्ट्रक्ट हुई हैं. बाद में इसको यहां मिला देता हूं और इसको रेड इंक से मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये यहीं मिलेगा. क्यों मिलेगा यहां पर? क्योंकि ये 90 डिग्री है और सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, हम सब जानते हैं. बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात हो गई. एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसके अंदर, इस ए पॉइंट को और सी को मिला देंगे. ठीक है, ए और सी को भी हमने मिला दिया और ये जो पॉइंट है यहां पर, इसको थोड़ा सा सीधा कर दें, ये जो पॉइंट है इसको हम बोल दें ई. ठीक है, ये हो गया आपका ई. ओके, तो दो कंस्ट्रक्शन हमने किए. सबसे पहला काम क्या किया, इसको सेमी सर्किल बना लिया, सेमी सर्किल कंप्लीट कर लिया. दूसरा काम क्या किया, ज्वाइन, वी ज्वाइन ए सी, ए टू सी. ठीक है, ए से सी को हमने कनेक्ट कर दिया. नाउ यू सी, यू विल बी हैविंग थ्री, यू विल बी हैविंग टू राइट ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम. ये राइट ट्राइंगल है तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा स्टेप. ठीक है, तीसरा स्टेप हमें कौन सा ट्राइंगल को कॉन्सेंट्रेट करना है, हमको करना है ए डी सी. ठीक है, नजर आ रहा है, ए डी सी 24-7 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले ही बता रखा है, कंपटीशन में हमें करना है इसको, याद रखिएगा. 24-7 होगा तो ये 25 हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं लेकिन ये आपको याद रखना है, ये 25 हो जाएगा. ठीक है, हमने क्या चीज कैलकुलेट कर ली, एसी कैलकुलेट कर ली 25 डायरेक्ट. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब मैं पढ़ा रहा था तो उसका वो इसी एडवांटेज के लिए पढ़ा रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. बात समझ में आ गई? नाउ यू सी अनदर राइट ट्राइंगल, दैट इज ए डी ई. बात समझ में, ए डी ई, बस ओके. इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये दो रेडियाई है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, तो ये बेसिकली 2R है. बात समझ में आती है? ठीक है, सबसे पहले, उससे पहले ये देखिए, ए सी किसके बराबर हो जाएगी, सी ई के बराबर हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? तो ये जो दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और ई बी सी, इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे ताकि हम ये जो वैल्यू है यहां की जो वैल्यू वो निकाल सकें. ठीक है, नाउ स्टेप फोर इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी. बात समझ में, इन दोनों ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है, ये कॉमन हो गई, ये साइड क्या है, कॉमन. ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि हमको पहले ही क्वार्टर सर्किल बता रखा था. ये एंगल भी 90 डिग्री है. बात समझ में आती है? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, साइड एंगल साइड दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए.
तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. हेंस ई सी विल बी इक्वल टू ए सी. ई सी विल बी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 25. तो ये जो साइड है ये हमारी कितनी आ गई? 25. कहां से कहां तक? यहां से लेकर और यहां तक. 25 और 7 कितनी आ गई? 32. यहां से लेकर यहां तक. जैसे ही आपको ये पता लगा, आप DE निकाल लेंगे स्टेप 4 में. स्टेप 5 में क्या निकाल लेंगे? DE निकाल लेंगे. DE किसके बराबर हो जाएगी? 7 प्लस 25 इज इक्वल टू 32. 32 यूनिट्स. नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट. कहां लिखूं? यहां लिखता हूं. ठीक है, नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल. अब मुझे स्टेप कौन सा करना है? 6 करना है. ठीक है, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्राइंगल ए, राइट ट्राइंगल ए डी ई. ठीक है, ए डी ई पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ए डी और ई. हाइपोटन्यूज कितनी है? हाइपोटन्यूज 2r है. बेस कितनी है? 24 है. और परपेंडिकुलर कितना है? 32 है. 24 और 32 को जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 40. कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. तो यहां से लेकर यहां तक जो बेसिकली 2r है वो किसके बराबर आ जाएगा? 40. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. क्योंकि 2r 40 आ चुका है तो r किसके बराबर आ जाएगा? 20 के बराबर आ जाएगा. तो r 20 मिल गया आपको. तो r कितना मिल गया आपको? r मिल गया आपको 20. अब कॉन्सेंट्रेट करिए आप स्टेप 7 में ट्राइंगल ए बी सी. कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी. ए बी सी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. बेस कितनी है? 20. हाइपोटेन्यूज कितनी है? 25. परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बहुत मशहूर, 15 20 25. तो 15 इज आवर आंसर. तो हमारा आंसर क्या है? बेसिकली 15 यूनिट है. सो दिस इज अवर आंसर. याद रखेंगे. ठीक है, ये हमको निकालना है. जो बेसिकली कॉमन था ये बेसिकली क्या जाएगा? 15 यूनिट्स. ठीक है, बाकी के सवाल भी करवा देता हूँ.